लेकर परीक्षार्थियों ने परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपना दर्द बयां किया। राज्यभर से आए परीक्षार्थियों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि लगातार पढ़ाई ठप रहने से अब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ, लेकिन 14 अक्टूबर से सेंटर परीक्षा और 2 फरवरी से इंटर मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है, जो कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परीक्षार्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना काल में सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं, पढ़ाई ठप रही, लेकिन एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं राजधानी पटना में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहा पर आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं, जो परीक्षार्थी हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। हम बात करते हैं क्या चीज की परीक्षा का डेट जारी कर। सर, इंटरमीडिएट का परीक्षा का डेट 2 फरवरी से जारी किया गया है और इसी 14 अक्टूबर से इसका सेंटअप एग्जाम होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि मार्च से ही हम लोग का पूरा सेशन बंद रहा है, यहाँ तक कि 11th का जो वार्षिक परीक्षा है वो मतलब कंडक्ट नहीं किया गया है और जो विद्यालय प्रशासन है उसी ने उस एग्जाम को मैनेज कर दिया। और सरकारी विद्यालयों में बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास लिया गया, लेकिन किसी प्रकार का ऑनलाइन गतिविधि नहीं देखा गया है। और रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो हम लोग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। सर, फरवरी में किस आधार पर लिया जाएगा, जब पिछले 8 महीने से जब नया सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब 11th के बाद प्रमोट करने के बाद स्कूल ने अपने स्तर से ही प्रमोट कर दिया है और उसके बाद पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं हुआ, जब किताबें नहीं मिली बच्चों को, मार्केट बंद था, कोचिंग बंद था, स्कूल विद्यालय बंद, जबरदस्ती आप एग्जाम लीजिएगा, तब तो जैसे रूबी राय टॉप कर जाती थी, बिहार के ये सभी बच्चे गैस पेपर खोलेंगे, लिखेंगे, फिर उन्हें शिक्षा क्या मिलेगा। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिकॉर्ड बनाने के लिए समय पर तो एग्जाम लेने के लिए डेट जारी कर दिया, लेकिन अब परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 14 अक्टूबर से राज्य भर में इंटर को लेकर सेंटअप परीक्षा होनी है, जबकि 2 फरवरी से मुख्य परीक्षा होनी है। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं अब परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। इधर सहरसा में 3 युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की, पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया।